सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ एस्टर सुपर वेरिएंट इन मैनुअल ट्रांसमिशन। सो दोस्तों, वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। मैं आज आपको 3D व्यू में दिखाता हूँ। वो ब्लैक कलर था, ये ऑरा सिल्वर कलर है और इसके अंदर तीन कलर ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ब्लैक, सिल्वर एंड वाइट। सो आप देख सकते हैं वाइट कलर में गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। और ये इसका बैक पोर्शन आप देख सकते हैं, इसमें सनरूफ नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि ये सुपर वेरिएंट है, यानी कि बेस से जस्ट ऊपर वाला मॉडल। और फ्रंट कुछ इस तरीके का रहने वाला है। वैसे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, बाकी आप एक बार ब्लैक में और इसका व्यू देखो किस तरीके का लगता है, फिर हम सारे फीचर्स इलैबोरेट करेंगे। सो अगर फ्रंट ग्रिल की इसकी बात की जाए, सो वो एज इट इज़ है जैसी इसमें पहले थी। साइड की लाइटिंग भी है क्रिस्टल्स के साथ बूमरैंग स्टाइल में। टायर्स जो हैं वो भी 17 इंचेस के ही रहने वाले हैं, लेकिन अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। जैसा शार्प में आता है वैसा नहीं आएगा, इस तरीके का आएगा जैसा आप प्लेन इसका देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो टायर साइज होगा वो 17 इंचेस का ही रहने वाला है फ्रेंड्स, लेकिन वो ये ड्यूल टोन कट में नहीं होंगे, ये नॉर्मल सिंपल होंगे। और कुछ इस तरीके का इसका व्यू होगा। इधर हमें इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि इसके साइड प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगी दोस्तों। और अब बैक पोर्शन को हम देख लेते हैं एक बार। LED टेल लैंप्स एज इट इज़ हैं, एस्टर की बैजिंग, ZS वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफॉगर, वॉशर एंड वाइपर शार्प में भी आता है, इसमें भी आएगा, सारी चीज़ें सेम है, कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। ऐसी हाइप हो रही थी क्रिएट कि भाई इसमें ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, आउटर लुक से गाड़ी में कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, आपको साइड पोर्शन में इंटरनेट की इनसाइड की बैजिंग मिलेगी और ऊपर सनरूफ नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं रूफ रेल्स भी है इसके अंदर, जो कि गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है, वो भी है। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर, और इसका साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होगा, इंटीरियर से सॉरी, इस तरीके का दिखने वाला है। और ये आइकॉनिक आइवरी कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, आप इसका रूफ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको अंदर से डिजाइन किया गया है। सो आप साइड अंदर से इसका प्रोफाइल देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके का है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक एक चीज को इलैबोरेट करना। आर्मरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा। सो एक बार मैं स्टीयरिंग आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स हमें मिलने वाले हैं। सो MG का लोगो हमें इसके अंदर मिल जाएगा, और जो मीटर होगा वो फुल्ली डिजिटल मीटर नहीं होगा दोस्तों, वो आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके का वो रहने वाला। सो स्टीयरिंग के अंदर जो माउंटेन कंट्रोल्स रहने वाले हैं वो एक बार मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, वॉल्यूम अप का होगा, वॉल्यूम डाउन करने के ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, म्यूट के ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, कॉल फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, ये सारे ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे इसका इंटीरियर काफ़ी प्यारा है, जैसे आइकॉनिक आइवरी है तो सेम एज इट इज़ इंटीरियर इसके अंदर हमें मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम की जो स्क्रीन रहेगी वो आई थिंक थोड़ी छोटी है, जैसे 3D में हम देख रहे हैं, तो वो एज कंपेरिजन विद शार्प मॉडल के साथ में थोड़ी सी छोटी है। ये इसका मैनुअल गियर है, ये कुछ इस तरीके का रहेगा। सो देखिए दोस्तों, जो म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर हमें फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉयड ऑटो प्ले, एप्पल कार प्ले वगैरह मिल जाएगा। इंटीरियर वो 360 डिग्री वाला व्यू है AC वेंट्स का, वो भी सेम एज इट इज़ है, क्रोम फिनिशिंग भी है। गियर बॉक्स के साइड में भी आप क्रोम फिनिशिंग्स देख सकते हैं। आर्मरेस्ट भी बड़ा इसका अंदर से ठीक लग रहा है। चार्जिंग सॉकेट्स भी हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। और जो कॉकपिट से इंस्पायर्ड है जैसा इसका इंटीरियर, उसके नीचे जो स्विचेस हैं AC वेंट से रिलेटेड, वॉल्यूम अप एंड डाउन, होम, टेम्परेचर कम करने का, तेज़ करने का, वो सारे ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाएंगे एज इट इज़, उनमें कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों। अब मैं अगर आपको स्टीयरिंग को थोड़ा सा अगर पास से दिखाऊं तो जो MID से रिलेटेड स्विचेस हैं वो भी इसके अंदर हैं, और जो वॉल्यूम से रिलेटेड, इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है वो भी है। फ्लैट बॉटम कट स्टीयरिंग मिलेगा आपको विद लेदर रैप्ड, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। सो इसमें कहीं से कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो अगर आपका शार्प
ये शार्प लेने का मन है तो वो तो है ही है टॉप एंड वेरिएंट, और अगर आपका सुपर मॉडल लेने का मन है तो वो भी अच्छा है। बस इसमें क्या चीज़ नहीं है, इसमें पर्सनल एआई असिस्टेंट मिस है मेन और सनरूफ मिस है, और क्या बच गया, और बच गया इसकी जो सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी होगी वो मैनुअल होगी। जो इसके बैक पोर्शन में जो कैमरा होगा वो ओनली एक होगा, इसमें चार कैमरे नहीं आते दोस्तों, 360 डिग्री व्यू नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हमें मिल जाएंगी। एक बार मैं आपको इसका आउटर लुक दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका ब्लैक कलर, वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। मैं 3D में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये वाला वेरियंट तो मार्केट में क्या कहीं मिल ही नहीं रहा, सो मैं कहाँ से आपको दिखाता, तो मैंने सोचा इसको 3D व्यू में करके और रिकॉर्डिंग करके तब आपको एक वेरिएंट अगर अच्छे से मैं समझा पाऊँ तो मैंने कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स।